राम राम। एक गैंगस्टर के ऊपर मूवी आ रही है जिसमें दो गुट दिखाए जाते हैं आपस में लड़ते हुए, और ये मूवी 2025 में आएगी। इसका सिर्फ टीजर आया, पूरे 3 मिनट का है। तो पहले हम टीजर देख लेते हैं, और मूवी का नाम है बैटल ऑफ छुरिया। रामन अवतार प्रोडक्शन हाउस की तरह ही मूवी बनाई गई है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। डायरेक्टर है और रवि सिंह राइटर भी है इसके। ये जो टीजर था ना, इसमें सब कुछ बयान दिखाया जा रहा था। इसमें जो पंक्तियां बोली जा रही थी वो महाभारत काल के थे, क्योंकि दुर्योधन को सब लोग ललकार रहे थे। इसमें दिखाया जाता है कि पहले तो जो गैंगस्टर होते ना, उनका एक मुखिया होता है या और कोई होता है जो गिटार बजा रहा होता है और वो गाना गाता है। और इसमें दिखाया जाता है कि कम से कम 100-200 लोग खड़े हैं लाइन से, वो बंदूक उठाते हैं, सारे लोग बंदूक एक साथ उठती है। फिर बगल में दिखाया जाता है कि उतनी औरतें दिखती हैं और उनका एक लीडर होता है जो सारे हथियार, चाकू, छुरी, भाला, त्रिशूल जो भी है सब वो हथियार उठाते दिखाए गए हैं। मतलब ये टीचर नहीं, एक खतरनाक टीचर है। और मूवी 2025 में आएगी, इंतजार भी बहुत करना पड़ेगा। ये 1970 के दशक की कहानी है कि जब दो गुट होते थे और उनमें भयंकर युद्ध होता था, भयंकर लड़ाई होती थी। इसमें दिखाया गया कि एक आदमी नथनी पहने हैं लंबी से और पूरा टकला है, वो शायद उनका लीडर है या बीच का है, ये पता नहीं, ये तो टेलर और मूवी में देखने के बाद पता चले। पहले साउथ में ऐसी मूवी आती है भयानक वाली, अब बॉलीवुड वालों ने भी ये मूवी बनाई है, मूवी बहुत भयानक होगी। औरतें भगवा रंग का कपड़ा पहनी होती है और वो एक मुर्दा को लिए जा रही होती है, कोई मर गया है जिसके पैर में धागा बंधा हुआ है और वो कंधे पे डाल के ले जा रही है। आज तक आपने सिर्फ जितने भी जेंट्स होते हैं उनको मुर्दा ले जाते हुए देखा, इसमें तो औरतें मुर्दा को लेके जा रही थी। बड़ा भयानक लग रहा था, देखने में भी बहुत डरावना लग रहा था। सारे लोग लेके जाते, फिर शायद चिता जलाते हुए एक गांव दिखाया जाता, 1970 के दशक का गांव दिखाया जाता है।
देखने वाली और डरावनी होने वाली है, इसको जाएंगे डर जाएगा वो इतना अंदर से, क्योंकि इसमें रियल जैसा लग रहा था सब कुछ। इसमें बहुत सारे तो हीरो हीरोइन होने वाले हैं, क्योंकि छोटी मोटी तो कहानी दिख नहीं रही है इसमें, बहुत बड़ी कहानी दिख रही है। पर रमना अवतार प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये मूवी बनाई गई है। इसमें जो बहुत बड़े बड़े कलाकार जैसे सुब्रत दत्ता, प्रीतम सिंह प्यारे, नवीन, मुमताज, जैमिन हमेशा आने वाले की बात नहीं कर सकते। हाँ, पिछले जितने भी टीजर आए ना उस सब में 2024 में जितने भी भयानक टीजर आए ना उस सब में भयानक हमें यही टीजर लगा, क्योंकि इसमें गोली हथियार इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया। इसमें जब रूप दिखाया गया ना उस इंसान का, तो आधा इंसान आदमी का और आधा औरत का दिखाया गया, और जिस तरफ औरत थी उस तरफ वो नथुनिया पहने हुए थे। वो किन्नर हैं या कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ही मतलब खतरनाक। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इस टीजर को देख के आपको कितना डरावना लगा। सच्चाई भी है, मजेदार भी होगी, क्योंकि उसी टाइम गैंगस्टर चलते थे, गुंडे चलते थे और डाकू चलते थे। ऐसे ही लगता है कि डाकुओं की कहानी है, मतलब दो गैंग अलग अलग, एक औरतों का गैंग, एक आदमी का गैंग, दोनों पावरफुल, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों नियम अनुसार लड़ाई कर रहे हैं, शायद ऐसा लगता है। पर इसमें जब कोई मर जाता है तब वो औरत लेके जाते हैं, ये हमें बहुत अजीब लगा। बनी रही हमारे साथ रिएक्शन वाले, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।